एव मनुष्याणाम कारणं बंधमोक्षयो। मन ही इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से अगर ठान लो तो दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, और अगर मन से हार जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कुछ भी दिला सके। आज के वक्त में पाना और खोना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी मन का शांत होना है। 10 तरीके बताऊंगा जिससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, और लास्ट में एक बोनस टिप्स भी दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फील्ड में टॉप पर पहुंच जाओगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, किसी भी चीज को हद से ज्यादा न ले। देखो, आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। हर इंसान को सक्सेस, मनी, फेम चाहिए ही चाहिए, और इसे पाने के लिए आप सब डेली मेहनत कर रहे हो। मेहनत के साथ साथ आप अपने गोल को हद से ज्यादा ऊपर बिठा रखे हो, यानी कि सर पर चढ़ा रखा है आपने सक्सेस को। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। चाहे वो नॉलेज हो, खाना हो, दौड़ना हो या फिर सोना हो, कोई भी चीज जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। उसी तरह अगर दिन रात आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के बारे में, करियर के बारे में ही सोच रहे हो कि मुझे कब मिलेगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं कब मुझे मंजिल मिलेगा, बार बार इस तरह सोचना आपके मन को बेचैन कर देगा और आप जो काम कर रहे हो उस काम के प्रोसेस पर भी आपका ध्यान नहीं टिक पाएगा। आपको यहाँ ओवरलोड थिंकिंग नहीं करनी है, बल्कि वक्त का इंतजार करना है, आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। नंबर 2, स्वीकार करो जिसे आप बदल नहीं सकते। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में हर चीज नहीं बदला जा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे प्रॉब्लम्स का आना नॉर्मल है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। कोई आपसे नाराज हो रहा है, कोई गुस्सा है, किसी को आपसे जलसी है, कोई आपसे आगे जा रहा है उसे देखकर आप निराश हो रहे हो, किसी की तबीयत खराब है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ये सारी चीजें आप बदल नहीं सकते। उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या है ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन क्या है, यानी खुश रहोगे या बेचैन। सो एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। नंबर 3, डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज डेली। डेली की कसरत आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो कल से करना शुरू करो। साइंस कहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे मूड को स्टिमुलेट करता है और आप रिलैक्स फील करते हो। नंबर 4, नेचर के टच में रहे। आपको पता है ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज से हम बने हैं अगर उसके टच में हम रहते हैं तो उसका एहसास ही अलग होगा, इसलिए प्रकृति के संपर्क में रहे। नंबर 5, सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करो। आज के टाइम मन को अशांत करने में सोशल मीडिया भैया का बड़ा योगदान है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं भी होती उसको भी एल्गोरिदम जबरदस्ती दिखाता है, ले देख देख, वक्त बर्बाद कर, दिमाग का दही बना ले। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। इमोशनल स्टोरी, यूजलेस फैक्ट, कंट्रोवर्शियल न्यूज, झगड़े, टैप 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 शॉर्ट्स। मेरे दोस्त, आपको लगता होगा हम ये सब तो यूं ही देखते हैं, इससे हमारे ब्रेन पर क्या असर होगा, तो सावधान, जो आप देखते हो सुनते हो वही आपका ब्रेन रिपीट करता है, जिसे हम मन का बक बक कहते हैं। मन को शांत करने का फॉर्मूला नंबर 6, लिसन म्यूजिक। जी हाँ, जब भी लगे कि आपका मन बहुत अशांत है तो जो भी आपकी फेवरेट सॉन्ग हो उसे हेडफोन लगाकर सुनो, तत्काल शांति मिलेगी। नंबर 7, फैमिली मेंबर्स से बातें करो। मैं मानता हूँ कि आप बहुत स्मार्ट हो, मॉडर्न युग में आपका जन्म हुआ है, दोस्ती आपकी शान है, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत बड़ी पहचान है, लोगों से आपको मिलता बहुत सम्मान है, लेकिन एक बात याद रखना, खुशी तो आपको दुनिया में हर जगह मिल सकती है लेकिन शांति और सुकून सिर्फ परिवार में ही मिलेगी। तो माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी से प्रेम से बैठकर बातें किया करो, बहुत सुकून मिलेगा। मन को शांत करने का ट्रिक नंबर 8, भूलना सीखे। जिन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा आपके होने से या न होने से। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, और यहाँ की बातें उससे भी बड़ी बड़ी है, और अगर हर चीज आप अपने मन में भरकर जियोगे तो कभी मन पर जी नहीं पाओगे। भूल जाओ उसे जिसने आपको भुला दिया, निकाल कर फेंक दो उन बातों को, उन यादों को जो आपको दीमक की तरह रोज जला रहा है, खोखला कर रहा है। क्यों किसी का इंतजार करना, किसी को बार बार याद करना, उन यादों को अपने काम में लगाओ और पूरी एनर्जी से अपने काम पर फोकस करो, देखो कैसे आपका मन शांत होता है और आप सफल बनते हो। नंबर 9, कंपेयर करना बंद करो। यू आर नॉट बॉर्न विथ कंपेरिजन। आप तुलना करते हुए जन्म नहीं लिए थे कि मेरा दोस्त तो मुझसे पहले जन्म ले लिया, वो तो मुझसे ज्यादा गोरा है, मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, जन्म के वक्त उसका तो सीधा था। मेरा उसका, उसका मेरा करते करते खिसक जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा।
आज के टाइम में किसका वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जान सकता। हो सकता है आज जो आपसे आगे है कल आप उससे आगे हो जाओ। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अनदर। अपने आप से खुद को कंपेयर करो कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ और कल क्या बन सकता हूँ। दैट इज द रियल कंपैरिजन। दसवां और अंतिम पॉइंट, बिंदास जियो, खुलकर जियो। क्या पाने आए हो और क्या खोकर जाओगे, क्या हासिल होगा क्या छूट जाएगा, इन सब चीजों में अपने वक्त को बर्बाद ना करो। जो लाइफ मिला है उसे खुलकर जियो। सोचोगे जो दुनिया के बारे में तो फिर सोचते रह जाओगे। अरे खुलकर जी लो जिंदगी को यारो, वरना कल बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। दसों पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और लास्ट में दूंगा एक बोनस पॉइंट, सो थोड़ा और रुक जाओ। नंबर वन, किसी भी चीज को हद से ज्यादा ना ले, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नंबर टू, स्वीकार करो जिसे आप बदल नहीं सकते। नंबर थ्री, डू मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत और ध्यान करो। नंबर फोर, नेचर के टच में रहे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और जब हम इसके संपर्क में आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। नंबर फाइव, सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करो, वही देखो जिससे आप कुछ सीख सको। नंबर सिक्स, लिसन म्यूजिक। जब भी आप स्ट्रेस में हो सबसे पहले एक प्यारा सा गाना सुनो जो आपको बहुत पसंद हो। नंबर सेवन, फैमिली मेंबर से बातें करो। नंबर एट, भूलना सीखो, भूल जाओ उसे जो आपको भूल गए। नंबर नाइन, कंपेयर करना बंद करो, दूसरों से नहीं खुद की तुलना खुद से करो, हमेशा खुश रहोगे। नंबर टेन, बिंदास जियो, खुलकर जियो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना याद रखना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। बोनस पॉइंट, मन को शांत करके आगे बढ़ने का, वो करो जो सही हो और आपको जच रही हो यानी पसंद हो। जब पसंद की काम करोगे तो वो काम नहीं खेल लगेगा और सही काम हुआ तो शांति तो गारंटी के साथ मिलेगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके हिसाब से कोई और पॉइंट है मन को शांत करने का तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करके मन को शांत करके खुशियों के साथ आगे बढ़े, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।